हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। माना जाता है कि सेब की उत्पत्ति मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान की जंगली पहाड़ियों में हुई थी और वहीं से सेब बाकी की दुनिया में पहुंचा। सिकंदर जब मध्य एशिया आया तब उसने इस फल के बारे में जाना और उसी के जरिए सेब यूरोप समेत बाकी संसार में लोकप्रिय हुआ। इंग्लैंड के नॉर्थ में रहने वाले लोग सेब को देवताओं द्वारा दिया गया उपहार मानते थे। वहाँ की कुछ प्राचीन कब्रों में इसे पाया गया है जो कि एक प्रतीक के रूप में मिट्टी या पत्थर के बनाए गए थे। संसार में लगभग 7500 किस्मों के सेब पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप एक दिन में एक किस्म के सेब खाएं तो भी सभी किस्म के सेब खाने में आपको 20 साल लग जाएंगे। अगर आप किसी ताजे सेब को पानी में रखते हैं तो वह तैरने लगेगा। इसका कारण है कि सेब में 25% पानी होता है। एक सेब का पेड़ 4 से 5 साल की उम्र में फल देना शुरू करता है और वो 100 साल तक जिंदा रह सकता है। एक औसतन सेब में 80 कैलोरी ऊर्जा होती है। सेब का उत्पादन करने वाले शीर्ष 5 देश चीन, अमेरिका, तुर्की, पोलैंड और इटली हैं। साल 2013 में पूरी दुनिया में 8 करोड़ टन सेब पैदा हुआ था। इसमें से आधा तो केवल चीन में पैदा किया गया। एक सेब में औसतन 10 बीज होते हैं। एप्पल का वैज्ञानिक नाम मलुस डोमेस्टिका है।